आज मैं बना रही हूँ चिकन चौमन। तो चिकन चौमन को बनाने के लिए हमें गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च चाहिए, जिनको हम लंबाई में काट लेंगे। अब हम काटते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हम लंबाई में काट लेंगे। अब यहाँ हमने ले ली है ये सब्ज़ प्याज, आले वाली जो प्याज होती है उसके नीचे की प्याज हमने ले ली है, 4-5-6 पीस। और ये चिकन है, इसको हम लंबा लंबा काट लेते हैं। तो ये इस तरह से ही हमने काट लिए हैं पीस, इस तरह लंबे लंबे पीस आप काट लें। अब ये तमाम चिकन को हम पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे थोड़ा सा सिरका, वाइट सिरका 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह धो लेंगे एक दफ़ा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट सिरका, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस, 2 ही टीस्पून चिली सॉस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने 15 मिनट मैरिनेट करके इसको लाजमी रखना है। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इस स्पेगेटी उबालने के लिए पानी मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ये स्पेगेटी इसमें नूडल्स इसमें डाल देंगे। 1/2 पैकेट नूडल्स हैं ये। तो ये नूडल्स गल चुके हैं, बस चूल्हे को ऑफ करते हैं और इसे निथार लेते हैं। इसको निथार लेंगे, इसके ऊपर अब मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। बस इसको रख लेंगे एक तरफ। अब पैन को हमने चूल्हे पे रख दिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ये सारी सब्जियां इसमें थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे, और मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो बस ये रेडी है, इनको एक तरफ रख देते हैं। अब एक दूसरे पैन को हमने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें से डालेंगे थोड़ा सा ऑयल 3 टेबल स्पून के आसपास। अब ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसको 3-4 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी। अब इसको कवर करके हम चिकन गलने तक पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट। तो इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं।
तो ये इस तरह से हो चुका है। बस इसी पॉइंट पे इसको यहाँ उतार लेंगे हम, और अब इसको हम बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। साथ ही ये नूडल्स डाल देंगे, साथ ही ये सारी सब्जियां भी डाल देंगे नूडल्स में। फ्लेम को मीडियम पे मैंने रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून केचप, टमाटो केचप, 2 ही टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 ही टेबल स्पून चिल्ली सॉस, सिरका 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। तो बस इसी फ्लेम पे इसको रख के हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए, चूल्हे को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट कर देंगे। तो ये तैयार है हमारा चिकन चाउमीन। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।